आप देख रहे हैं वायरल एक्सरे और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। वायरल वीडियो के साथ किए जा रहे दावे कुछ इस तरह से होते हैं कि उन पर यकीन होने लगता है। हालांकि कई बार दावे तो गलत होते हैं तो कई बार दावे सही भी निकलते हैं, लिहाजा सोशल मीडिया में वायरल वीडियो की सच्चाई और उसके दावों की हकीकत की पड़ताल बेहद अहम है। और ऐसे दावों और वीडियो तस्वीरों मैसेजेस की पड़ताल हम करते हैं वायरल एक्सरे में और आपको करवाते हैं सच से रूबरू। जाने को और खुले में शौच रोकने के लिए सरकार कोशिश कर रही है तो वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी हरकतों से बास नहीं आते। एक वायरल वीडियो में मेट्रो कोच के अंदर एक शख्स टॉयलेट कर रहा है। वायरल वीडियो लखनऊ का बताया जा रहा था। वायरल एक्सरे में हमने इस वीडियो की पड़ताल की और दावे से पर्दा हटाया। सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक शख्स चलती मेट्रो में टॉयलेट करता नजर आ रहा है। वायरल वीडियो लखनऊ का बताया जा रहा है, लिहाजा हमने इसकी पड़ताल की। वीडियो में दिख रहा शख्स मेट्रो ट्रेन के दो कोच के बीच में बनी हुई जगह पर लघुशंका कर रहा है। हैरान करने वाली बात तो यह है कि जब ये शख्स ऐसा कर रहा है तो कोई उसे मना भी नहीं करता, बल्कि लोग उसका वीडियो बना रहे हैं। जहां इस व्यक्ति ने मेट्रो को ही अपना शौचालय बना लिया तो वहीं अधेड़ उम्र के इस शख्स की हरकत से यात्री शर्म से पानी पानी हो गए, लेकिन किसी ने भी उसे रोकने की जहमत नहीं उठाई। जहां एक ओर मेट्रो में खाना पीना और फर्श पर बैठना तक मना है तो वहीं दूसरी ओर चलती मेट्रो ट्रेन में अधेड़ शख्स ने किसी की परवाह ना करते हुए सभी यात्रियों के सामने टॉयलेट किया। वायरल वीडियो के साथ दावा किया जा रहा था कि लखनऊ मेट्रो की शुरुआत होने के साथ ही उसमें पेशाब कर उसे गंदा करने की शुरुआत भी हो गई। लिहाजा वायरल वीडियो की सच्चाई जानने के लिए हमने एक टीम लखनऊ के लिए रवाना की। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दिखाया जाता है कि एक व्यक्ति मेट्रो ट्रेन में सफर करते हुए उसमें टॉयलेट कर रहा है। इस वीडियो में आखिर क्या कुछ सच्चाई है ये जानने हम निकल पड़े हैं। हम जानते हैं आखिर क्या कुछ सच्चाई है भी इस वीडियो में या फिर नहीं। लखनऊ पहुंचने के बाद हम चारबाग मेट्रो स्टेशन पहुंचे और यहाँ हमने वायरल वीडियो के बारे में यात्रियों से पूछताछ की। भैया ऐसा कुछ है नहीं उसमें, जैसे कि मैं अभी बनारस से आया ट्रेवल करने के लिए, पूरा टिकट लेकर पूरा स्टेशन देखा और स्टेशन भी इतनी साफ सुथरी व्यवस्था की गई थी कि कहने वाली बात नहीं। और मेरी जाँच भी इतनी अच्छे से हो रही कि आप पॉकेट में खाने से लेकर गंदा करने वाली चीज अंदर जाने ही नहीं दे रहे, तो फिर बात कैसे आ सकती है कि कोई आदमी टॉयलेट कर दे अंदर, वो भी आदमी बच्चे की बात होती तो फिर अलग होती सर। ये गलत है एकदम, वीडियो एकदम गलत है भैया, ऐसा काम ही नहीं हो सकता। वो भी 18 साल से ऊपर वाले ट्रैवलिंग करें ऐसा काम ही नहीं कर सकते हैं। नहीं, मुझे इसमें बिल्कुल कोई सच्चाई नहीं लगती है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि हम लोग की लिटरेसी इतनी नीचे गिर गई है कि हम लोग मेट्रो या ऐसी कोई भी चीज़ को यूज़ करने वाली चीज़ को हम लोग इस तरीके से यूज़ करें कि उसमें बाथरूम करें या कुछ भी अनएजुकेटेड पना किसी भी तरीके से करें। मुझे नहीं लगता कि हम लोग के पूरे शहर में कोई भी ऐसा कोई भी होगा जो इस तरीके का कोई भी काम करेगा इस तरीके का। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल ट्रू नहीं है, उसमें कोई भी सच्चाई नहीं इस तरीके की। लोगों ने मेट्रो में अधेड़ उम्र की शख्स के टॉयलेट करने का वीडियो तो देखा था, लेकिन वीडियो लखनऊ मेट्रो का है इस पर उन्हें पूरा संदेह था। वही एक शख्स का तो दावा था कि ये वीडियो लखनऊ का नहीं बल्कि दिल्ली मेट्रो का हो सकता है। आई डोंट थिंक सो कि ये मेट्रो लखनऊ मेट्रो का वीडियो होगा। वो आई थिंक बहुत पुराना वीडियो जिस समय लखनऊ में मेट्रो अभी चल नहीं रही थी, नॉट इन रनिंग इन लखनऊ। ये दिल्ली मेट्रो या एनी अदर मेट्रो का हो सकता है, आई थिंक दिल्ली मेट्रो का होगा, मे बी कोलकाता मेट्रो का, जो वायरल किया जा रहा है लखनऊ मेट्रो को बदनाम करने के लिए। आई डोंट थिंक सो कि कोई लखनऊ मेट्रो में ऐसी हरकत करेगा। लखनऊ मेट्रो है, साफ सुथरी है और आगे चलती रहेगी। हमने वायरल वीडियो के बारे में मेट्रो प्रशासन से भी बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कैमरे पर आने से इनकार कर दिया। तो वहीं हमारी पूछताछ में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने वीडियो को लखनऊ मेट्रो का होने से इनकार किया और वायरल वीडियो के दिल्ली मेट्रो का होने की बात सामने आई। लिहाजा हमारी टीम प्रदेश की राजधानी लखनऊ से देश की राजधानी दिल्ली के लिए रवाना हुई। नवाबी मेट्रो या यूं कहे लखनऊ मेट्रो की शुरुआत में ही एक वायरल एक्सरे सामने आया। वायरल वीडियो में ये बताया जा रहा था कि जब मेट्रो की शुरुआत लखनऊ में हुई उसी दिन एक बुजुर्ग शौच करते हुए लखनऊ मेट्रो में नजर आए, लेकिन ये वायरल वीडियो इससे पहले भी फेसबुक और व्हाट्सएप पर वायरल हो चुका है। तो इसकी तफ्तीश करने के लिए हम पहुंचे हैं DMRC हेडक्वार्टर्स। हमारी टीम सीधे मेट्रो भवन पहुंची
जहां हमने मेट्रो अधिकारियों से वायरल वीडियो के बारे में पूछा तो उन्होंने वायरल वीडियो पर चुप्पी साध ली और कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। बिना कैमरे यानी ऑफ रिकॉर्ड से ही दिल्ली मेट्रो के अधिकारियों ने ऐसी किसी भी घटना से इनकार कर दिया जिसमें कोई बुजुर्ग मेट्रो के अंदर शौच करता हुआ नजर आया हो। यानी कुल मिलाकर ये वायरल एक्सरे अभी तक साबित नहीं हो पाया है। हालांकि लखनऊ मेट्रो खुलने से पहले भी ये वायरल एक्सरे फेसबुक और व्हाट्सएप पे वायरल हो चुका है, लेकिन दिल्ली और लखनऊ के अलावा जयपुर से लेकर बेंगलोर तक का इशारों में मेट्रो चलती है, इसलिए अभी तक ये साबित नहीं हो पाया कि ये घटना कब की और किस मेट्रो स्टेशन की है। लिहाजा वायरल वीडियो में अधेड़ उम्र के शख्स के लखनऊ मेट्रो में पेशाब करने का दावा गलत निकला। इस तरह हमारी पड़ताल में पता चला कि मेट्रो में लघुशंका करने का वायरल वीडियो तो सही है, लेकिन लखनऊ मेट्रो में अधेड़ उम्र के शख्स के पेशाब करने का दावा झूठा है। देश के कई राज्यों में मेट्रो दौड़ रही है और उनके कोच देखने में लगभग एक जैसे ही दिखाई पड़ते हैं, लिहाजा वायरल वीडियो की पड़ताल के लिए जब हमने लखनऊ और दिल्ली में पड़ताल की तो मेट्रो में लघुशंका करने का वायरल वीडियो तो सही निकला, लेकिन लखनऊ मेट्रो में ऐसा नहीं हुआ है। इस वायरल वीडियो की पड़ताल में हमने ये पाया कि ये वायरल वीडियो लखनऊ मेट्रो का नहीं है। लखनऊ से कैमरा पर्सन मिनहाज के साथ मैं विभू त्रिपाठी वायरल एक्सरे के लिए। चलिए बढ़ते आगे। मेट्रो में आपके साथ बंदर भी सफर करें तो कैसा लगेगा? जाहिर है डर के मारे पसीने छूटने लगेंगे और चलती मेट्रो को छोड़कर तो आप भागने के बारे में सोच भी नहीं सकते। तो आपको बता दें कि सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें चलती मेट्रो कोच के अंदर एक बंदर चहलकदमी कर रहा है। लोग डर के मारे सहमे हुए हैं, कहीं बंदर किसी पर हमला ना कर दे। वायरल वीडियो की हमने पड़ताल की और क्या कुछ निकलकर सामने आया, आइए आपको दिखाते हैं। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, ये कहावत तो आपने कई बार सुनी होगी। लेकिन बंदर अदरक के स्वाद का आनंद भले ही ना जानता हो, लेकिन वो मेट्रो के सुहाने सफर के आनंद के बारे में जरूर जानता है। जी हाँ, सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक बंदर मेट्रो कोच के अंदर सफर कर रहा है। हमने इस वायरल वीडियो की पड़ताल की, चलिए आपको भी दिखाते हैं वो वीडियो। बंदर चलती कोच में टहल रहा है और मेट्रो राइड का मजा ले रहा है। बंदर एक कोच से दूसरे कोच में भी जाता है, तो वहीं मेट्रो में बंदर के पहुंच जाने से यात्री घबरा जाते हैं। उन्हीं में से एक यात्री इसका वीडियो बना लेता है। यही वीडियो सोशल मीडिया में जमकर शेयर किया जा रहा है। वायरल वीडियो कहां का है ये पता लगाने के लिए हमने अपनी पड़ताल को शुरू किया। हमें ये पता लगाना था कि वायरल वीडियो किस शहर का है और किस मेट्रो स्टेशन पर ये पूरा वाकया वीडियो में कैद हुआ। लिहाजा सबसे पहले हमने वायरल वीडियो को ध्यान से देखना शुरू किया, जिसमें हमें एक जगह मेट्रो की अनाउंसमेंट सुनाई पड़ती है जिसमें बाटा चौक स्टेशन और दरवाजे बाई ओर खुलने का अनाउंसमेंट हो रहा है। बाटा चौक स्टेशन दरवाजे बाई ओर खुलेंगे। हमारे हाथ वीडियो की पड़ताल के लिए अहम क्लू लगा था, लिहाजा हमने बाटा मेट्रो स्टेशन को इंटरनेट पर सर्च किया तो मेट्रो की वॉलेट लाइन पर हमें ये स्टेशन दिखाई दिया। वॉलेट लाइन मेट्रो फरीदाबाद के लिए जाती है, लिहाजा हमें ये तो पता लग गया कि कश्मीरी गेट से फरीदाबाद वॉलेट लाइन मेट्रो में ये वीडियो शूट किया गया। लिहाजा सुरक्षा की पोल खोलते इस वायरल वीडियो की पड़ताल के लिए हमने मेट्रो अधिकारियों से बात करने के लिए मेट्रो भवन का रुख किया। मंकी को भी क्या मेट्रो पसंद है, ये हनी सिंह का नया सॉन्ग नहीं बल्कि दिल्ली मेट्रो का एक वायरल वीडियो है। वायरल एक्सरे में आज इस बात की हम पड़ताल करने की कोशिश करेंगे, क्या वाकई दिल्ली मेट्रो के अंदर एक मंकी यानी बंदर घुसा, वो बंदर घूमता रहा और यात्रियों को परेशान तक किया, हालांकि कोई क्षति नहीं हुई। इसी एक्सरे की पड़ताल करने के लिए, इसी वायरल वीडियो की पड़ताल करने के लिए हम पहुंचे हैं मेट्रो भवन। मेट्रो भवन पहुंचने के बाद एक बार फिर हमने वायरल वीडियो की सच्चाई और मेट्रो की सुरक्षा में पोल की बात लेकर अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, लेकिन अधिकारियों ने वायरल वीडियो पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। जाहिर है वायरल वीडियो की पड़ताल और वायरल वीडियो को झुटलाया नहीं जा सकता, हमारे पास पुख्ता सबूत था, लिहाजा कुछ ना बोलने में ही भलाई समझते हुए कैमरे पर आने से अधिकारियों ने मना कर दिया। लेकिन हमारी पड़ताल में सच निकलकर सामने आ चुका था। हमें पता चला कि दिल्ली मेट्रो में बंदर के सफर करने का वीडियो सही है। वीडियो मेट्रो की वॉलेट लाइन का है। मेट्रो का सफर सुहाना हो इसके लिए लोग अपनी तैयारियां करके निकलते हैं, लेकिन सफर में आपके साथ बंदर जैसा जानवर भी शामिल हो जाए
तो डर लगना लाजमी है। वो किसी पर हमला भी कर सकता है। ऐसे में सावधान होकर ऐसी किसी घटना से निपटने के लिए तैयार रहने में ही समझदारी है। लिहाजा मेट्रो में सफर करते बंदर का वायरल वीडियो हमारी पड़ताल सही निकली। वायरल एक्सरे पे बयान देने से मेट्रो के अधिकारियों ने तो मना कर दिया, लेकिन हमारी तफ्तीश में ये साबित जरूर हुआ कि ये वायरल वीडियो पूरी तरीके से सच्चा है। जिस मेट्रो लाइन की बात की जा रही है वो कश्मीरी गेट तक से लेकर फरीदाबाद तक जाती है और उसके बाटा मेट्रो स्टेशन पर, बाटा चौक मेट्रो स्टेशन पर ये घटना हुई जब बंदर मेट्रो की बोगियों के अंदर चहलकर्मी करता हुआ नजर आया। यानी कुल मिलाकर ये वायरल एक्सरे पूरी तरह सच्चा साबित हुआ। मेट्रो भवन से कैमरामैन विनोद चौधरी के साथ राहुल डबा, समाचार प्लस के लिए। स्वच्छ भारत मिशन के तहत गांव को खुले में शौच से मुक्त घोषित कराने के गांव प्रधान तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। एक गांव में तो बकायदा मुनादी करवाकर खुले में शौच कर रहे व्यक्ति पर ₹500 जुर्माने के साथ साथ मिलने वाली सारी सरकारी सुविधाओं को रोके जाने की बात कही जा रही है। लिहाजा वायरल वीडियो की हमने पड़ताल की, तो चलिए बताते हैं आपको वायरल वीडियो का सच क्या है। स्वच्छ भारत का सपना यूं तो हर जिम्मेदार नागरिक देखता है, लेकिन उसको पूरा करने के लिए हकीकत में सफाई के प्रति खुद भी सचेत होना होगा और लोगों को भी जागरूक करना होगा, तभी भारत स्वच्छ बनेगा। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन की भी शुरुआत की, जिसमें खुले में शौच से मुक्ति प्रमुख है। इसके लिए शौचालयों का निर्माण और इसके इस्तेमाल पर भी जोर दिया गया। महानायक अमिताभ बच्चन भी खुले में शौच रोकने के लिए लोगों को जागरूक करते नजर आए। अरे यार, क्यों तुम लोग गांव की इज्जत पे धब्बा लगा रहे हो? बाहर से लोग आएंगे तो क्या सोचेंगे? स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत भारत सरकार जो है वो शौचालय बनाने में मदद कर रही है, तो आप भी अपने घर में शौचालय बनाइए, परिवार को उसका इस्तेमाल करवाइए। लेकिन सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें 11 सितंबर से खुले में शौच पर प्रतिबंध लगाने की मुनादी कराई जा रही है। इतना ही नहीं, खुले में शौच करने वाले व्यक्ति को पकड़कर उस पर ₹500 का जुर्माना भी लगाया जाएगा और तो और उस व्यक्ति के साथ साथ उस व्यक्ति के परिवार को मिलने वाली सारी सरकारी सुविधाएं जैसे राशन, बिजली और पेंशन तक रोक दिए जाने की चेतावनी दी जा रही है। यदि खुले में शौच करते हुए पकड़ा गया तो उस पर ₹500 जुर्माना किया जाएगा। वह उस व्यक्ति के परिवार को मिलने वाली सारी सरकारी सुविधाएं रोक दी जाएंगी। इसके साथ ही ग्राम पंचायत को खुले में शौच से मुक्त करने का दावा भी किया जा रहा है। इस आदेश को खंड विकास अधिकारी की ओर से जारी किया गया बताया जा रहा है। मुनादी का ये वीडियो वायरल हुआ और खुले में शौच पर सरकारी सुविधाएं रोकने और जुर्माना लगाने की चेतावनी पर लोगों ने सोशल साइट्स पर जमकर कमेंट्स भी किए। लिहाजा वायरल वीडियो की सच्चाई जानने के लिए हमने एक टीम लखनऊ के लिए रवाना की। वायरल वीडियो की पड़ताल के दौरान खुले में शौच करने पर जुर्माने का एक पत्र भी हमारे सामने आया, जिसमें अचली खेड़ा, फकीर खेड़ा के गांव वालों पर ₹500 जुर्माना और सरकारी सुविधाएं रोकने की चेतावनी दी गई थी और खुले में शौच पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की बात कही गई थी। इस पत्र को मोहन लालगंज विकास खंड अधिकारी लखनऊ की ओर से जारी किया गया बताया जा रहा था। वायरल लेटर में लिखा था, अचली खेड़ा फकीर खेड़ा के समस्त ग्राम वासियों को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति खुले में शौच करते हुए पाया गया तो ₹500 जुर्माना देना होगा व उसके परिवार की समस्त सरकारी सुविधाएं रोक दी जाएंगी, जैसे राशन, पेंशन, बिजली, गैस सब्सिडी आदि। वायरल वीडियो और आदेश की हकीकत जानने के लिए हमारी टीम अचली खेड़ा फकीर खेड़ा गाँव पहुँची, जहाँ हमने वायरल वीडियो और आदेश के बारे में ग्रामीणों से पूछा। खुले में शौच पर सरकारी सुविधाएं रोके जाने की मुनादी से वो भी सहमे हुए थे। लिहाजा हमारी टीम मोहनलालगंज के खंड विकास अधिकारी के कार्यालय पहुंची। हम सीडीओ से मिले और उनसे वायरल वीडियो के बारे में पूछा कि खुले में शौच पर जुर्माना और उसकी सारी सरकारी सुविधाएं रोकने के संबंध में क्या आदेश जारी हुआ है ये जाना। इस पर उन्होंने बताया कि सरकार जब किसी व्यक्ति को सरकारी सुविधाएं देती है तो उसके नियम कायदे पूरे करने वाले लाभार्थी को वो सुविधाएं मिल जाती हैं। समाचार प्लस की वायरल एक्सरे की टीम उस वीडियो वायरल की सच्चाई जानने के लिए यहाँ पर सीडीओ लखनऊ साहब के यहाँ पहुंची हुई है, जिसमें ये कहा गया था कि
जो लोग के घर शौचालय नहीं है, जो बाहर शौच करते हैं, उनसे सारी सरकारी सुविधाएं छीन ली जाएंगी। इस बारे में क्या सच में कोई आदेश किया गया, ये जो वीडियो है ये कैसे फ्लोट हो रही है, इस बारे में इनसे पूछेंगे। सर, एक वीडियो फ्लोट होती है और जिसमें बाकायदा नगाड़ा बजाकर ये ऐलान किया जाता है कि जिनके घर में शौचालय नहीं बने हैं उनसे सारी सरकारी सुविधाएं छीन ली जाएंगी, तो इस तरह का क्या सच में कोई लिखित आदेश जारी किया गया है क्या? देखिए, कोई भी सरकारी सुविधा सरकार अगर देती है तो उसके अपने नियम कायदे होते हैं। अगर वो नियम कायदे लाभार्थी पूरे करता है तो सरकारी सुविधा उसका अधिकार है, उसे कोई नहीं छीन सकता। जब हमने उनसे इस संबंध में बाकायदा मुनादी करवाकर आदेश जारी करने के बारे में सवाल किया तो उन्होंने बताया कि गांव के प्रधान ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत गांव को खुले में शौच से मुक्ति के लिए उत्साह में आकर ऐसा किया। गांव में किसी एक प्रधान ने स्वच्छ भारत मिशन के अंदर गांव को ODF कराने के लिए की मुहिम को लेके थोड़ा सा उत्साह में आके इस तरह का नगाड़ा बजवाया है, तो अब प्रधान निर्वाचित है, गांव के लोगों ने उनको वोट देके जिताया है, तो प्रधान ग्राम सभा में क्या प्रस्ताव लोग करते हैं वो उनके ऊपर है। आधिकारिक तौर पे हमारे किसी अधिकारी द्वारा ऐसा कोई आदेश न तो जारी किया गया है न जारी किया जा सकता है। अधिकारी सब ने ये भी पूछा कि प्रधान ने उत्साह में आकर ऐसा किया तो क्या इस पर कोई कार्रवाई की जाएगी। इस पर उन्होंने कहा कि ग्राम सभा चाहे तो इस संबंध में कोई सहमति से प्रस्ताव ला सकती है। इसके साथ ही वीडियो और सीडीओ के साथ ही प्रशासन की ओर से सरकारी सुविधाओं को वापस लिए जाने का कोई आदेश जारी नहीं हुआ है, लिहाजा विकास खंड में अधिकारी से बात करने के बाद सारे मामले की सच्चाई सामने आ गई। ग्राम प्रधान ने गांव को खुले में शौच से मुक्त घोषित करने के लिए यानी ओपन डिफेक्शन फ्री ODF के लिए उत्साह में आकर मुनादी करवाई, लेकिन मुनादी में कही गई बातें किसी तरह का सरकारी आदेश नहीं है। ग्राम पंचायत अपनी एक अलग लीगल एंटिटी है, ग्राम पंचायत चाहे तो प्रस्ताव पास करके ग्राम सभा अपनी प्रस्ताव पास करके ग्राम सभा में, क्योंकि गाँव का सभी वयस्क सदस्य ग्राम सभा का सदस्य होता है, 18 वर्ष से ऊपर के गांव के सभी निवासी उसके सदस्य होते हैं, तो आपस में प्रस्ताव पास करके वो कुछ भी कर सकते हैं। वो प्रस्ताव पास करके ये कह सकते हैं कि गांव में जो खुले में शौच करेगा उस पर हम 500 रुपये फाइन लगाएंगे, 1000 रुपये फाइन लगाएंगे, उसका बहिष्कार करेंगे, उससे कोई बात नहीं करेगा। तो वो एक अलग लीगल एंटिटी है, वो अपने आपस में प्रस्ताव पारित करके कुछ भी कराएं, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, ना हमारी कोई उसमें दखलंदाजी है। सर, एक बात और, उसमें अनाउंसमेंट के समय लास्ट में BDO साहब का नाम लिया जाता है, तो ये किया जा रहा है, तो इसको लेकर अगर ऐसा कोई भ्रम है गांव वालों के अंदर, अगर BDO का नाम लिया जा रहा है तो उसको हम एक नोटिंग, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या एक आदेश जारी करके हम वहाँ पे डिस्पेल कर देंगे ये नोशन, क्योंकि BDO की तरफ से या CDO की तरफ से या प्रशासन की तरफ से किसी भी तरीके से इस तरह सरकारी सुविधाओं को वापस लिए जाने का कोई भी उल्लेख नहीं है, लिहाजा वायरल वीडियो की हमारी पड़ताल पूरी हुई। नोटिफिकेशन जारी कर मुनादी में कहे गए आदेश का खंडन किया जाएगा। सरकारी सुविधाओं को वापस लिए जाने का कोई आदेश नहीं है। ग्राम प्रधान ने उत्साह में आकर मुनादी करवाई, मुनादी कराई गई ये सही है, लेकिन उसमें कही गई बातें किसी तरह का सरकारी आदेश नहीं है। खुले में शौच का सीधा संबंध अशिक्षा, कुपोषण और गरीबी के साथ साथ इससे फैलने वाली तमाम बीमारियों से है। इसके लिए स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत के बाद लगभग 80 लाख शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है। सरकार ने गांवों को खुले में शौच से मुक्त करने यानी ODF पर ध्यान केंद्रित किया है और खुले में शौच से मुक्ति के लिए राज्यों द्वारा ODF की पहचान कर उन्हें प्रोत्साहित भी किया जा रहा है, लिहाजा ग्राम प्रधान ने ODF के लिए बाकायदा मुनादी करवा कर गाँव को खुले में शौच से मुक्ति का सरकारी आदेश बताया और झूठे दावे किए। सदियों पुरानी आदतों और मानसिकता में बदलाव में वक्त लगता है, लोगों को खुले में शौच के प्रति जागरूक करके इसे धीरे धीरे खत्म किया जा सकता है, लेकिन मुनादी में झूठ का सहारा लेना सरासर गलत है। लिहाजा हमारी पड़ताल में वायरल वीडियो तो सही निकला, लेकिन वीडियो में मुनादी में किया जा रहा दावा झूठा निकला। ग्राम प्रधान की तरफ से ही ये आदेश किया गया, लेकिन नाम BDO का लिया गया, जिस पर CDO साहब का कहना है कि इसको क्लियर किया जाएगा किसी तरह का नोटिफिकेशन जारी करके या खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। तो फिलहाल वायरल एक्सरे में ये बात बिल्कुल साफ होती है कि जो वीडियो वायरल किया गया सोशल मीडिया के जरिए वो बिल्कुल सही नहीं था, और जो उसमें बातें कही गई हैं वो किसी भी तरह का सरकारी आदेश नहीं है। कैमरामैन मिनास के साथ अभिषेक सिंह, वायरल एक्सरे के लिए समाचार प्लस से।